अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सेल्फ डिफेंस से मुतल्लक आगाही देंगे। मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल करना क्यों ज़रूरी है, मार्शल आर्ट्स की अहमियत और फवायद जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, यूँ तो मुल्क में क्रिकेट के मुकाबले में कौमी खेल हॉकी भी नौजवानों में मकबूलियत पाने में नाकाम रहा। ताहम मुल्क में हालिया बच्चों के साथ ज्यादती के अफसोसनाक वाकयात के बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स कराटे जैसे खेलों को नौजवानों में सेल्फ डिफेंस या खुद मुख्तारी के साथ दिफा का जरिया समझा जाने लगा है। हकूमती अदम दिलचस्पी के बायस हमारा मुल्क इस खेल में बहुत पीछे है। बच्चों को अवाइल उम्री से ही ताइक्वांडो सिखाने के बहुत फायदे होते हैं। बच्चों की जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ इन्हें अपनी इज्जत नफ्स कायम रखने, एतमाद में इजाफा करने, स्टेमिना बढ़ाने, स्ट्रेस से लड़ने, टेंशन को दूर रखने, जहनी और रूहानी सलाहियतें बेहतर करने में मदद मिलती है। मुश्किल माशरती सूरत हाल से निकलने की राहें सोचती हैं और आजकल के हालात में जिंसी हरासगी, अगवा बराए तावान जैसी वारदातों से न सिर्फ खुद को बचाया जा सकता है बल्कि दूसरों की मदद भी की जा सकती है। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल TR Info सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक बाकायदगी से पहुंचते रहें। ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट से जुड़ी एक गलतफहमी ये भी है कि लोग समझते हैं इसकी वजह से लोग जारहाने रवैये के हामिल हो जाते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्शल आर्ट का असल माखज खुद पर काबू पाना है। यही वजह है कि इसकी तरबियत के दौरान सेल्फ कंट्रोल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। ताइक्वांडो आपको लड़ना नहीं सिखाता बल्कि ये सिखाता है कि लड़ाई रोकनी कैसे है। अपने बच्चों को बचपन से ही ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट जैसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरफ माइल करें ताकि वो न सिर्फ खुद एतमादी से मालामाल हों बल्कि अपना दिफा खुद करना सीखें और एक भरपूर जिंदगी गुजारने की तरफ कदम बढ़ाएं। इस सिलसिले में सफीना चिल्ड्रन होम की इंतजामिया ने बच्चों को सेल्फ डिफेंस से मुतल्लक ट्रेनिंग देने के हवाले से कदम उठाया। सफीना चिल्ड्रन होम सफीना वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है जो 2005 से चल रहा है। ये अदारा संजानी इस्लामाबाद C16 में वाकया है। अदारा हिजाम में यतीम तलबा तलबात को मुफ्त तालीम फराम की जाती है। शानदार इमारत में बच्चों की रहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है। तफरीही सरगर्मियों के लिए वसी ग्राउंड भी मौजूद है। बेहतरीन तालीम याफ्ता और तजर्बाकार उस्तादा की ज़ेर निगरानी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी और सारी है। ग्रुप ऑफ फिटनेस एंड स्पोर्ट्स ट्रेनर्स दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नौजवानों का एक इदारा है जिसने बच्चों को सेल्फ डिफेंस से मुतल्लक ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया है। सफीना चिल्ड्रन होम में पहले सेशन में गो फास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर मुदस्सर महमूद, प्रोजेक्ट मैनेजर आमर जुबैर, कोच सानिया इफ्तिखार, बाबर नसीम और जैनुल आबदीन ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के मौके पर चेयरमैन सफीना वेलफेयर ट्रस्ट आगा सैयद असद आलम का कहना था कि सफीना चिल्ड्रन होम में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस के हवाले से मुस्बत सरगर्मी का आगाज़ कर रहे हैं। सफीना चिल्ड्रन होम जो कि 2005 में इसका बुनियाद रखी गई थी और बहुत सारे मराहल से गुजरता हुआ ये जो है आज हम लोग एक नई एक्टिविटी का आगाज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इस्पेशली क्योंकि ये यंग बच्चे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इनकी एक एनर्जी लेवल का एक अलग होता है, तो इनकी उस सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए और इनकी अपनी सेहत और सलामती के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि जो सालिम जहन होता है वो सालिम बदन मांगता है, सालिम बदन जो है वो सालिम जहन फराहम करता है। तो लिहाजा इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनकी जिस तरह से हम पढ़ाई पर और इनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इसी अंदाज से इनकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनका ख्याल रखते हुए और इंशाल्लाह ये जूडो कराटे की जो एक्टिविटीज़ हैं हम तैयार कर रहे हैं, इनकी शुरू कर रहे हैं, और इसी एक्टिविटीज़ को इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि हम अपने से जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे भी हुए तो इनको हम नेशनल टीम में और जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं स्पोर्ट्स के वहाँ तक इनको पहुँचाएंगे। गो फास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर मुदस्सर महमूद का कहना था कि सफीना चिल्ड्रन होम में ज़ेर तालीम बच्चों से हमारी नशिस्त इंतहाई मुफीद रही। इन बच्चों के सीखने के अंदाज़ और दिलचस्पी और लगन को देख कर बहुत खुशी हुई।
यहाँ पर हमने आज सेल्फ डिफेंस के हवाले से काम किया है। 2 घंटे का तकरीबन सेशन था ये, और इसमें 5 कोचेज़ के साथ, 1 फीमेल और 4 मेल कोचेज़ के साथ आज हमने इस पूरे इवेंट का वर्क किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है यहाँ के बच्चों का, और इनका इंटरेस्ट लेवल भी और इनके जो आप कह सकते हैं एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा ही लाइक ज़बरदस्त था, और बड़ा हमने इंजॉय किया अपने टाइम को। बेसिकली हमारे सेल्फ डिफेंस का मकसद ये होता है कि हमारा कोई भी बच्चा जब सोसाइटी में कहीं बाहर निकले तो उसको लाइक ये फील ना हो कि वो उसको उसके अंदर कोई डर ना हो, लाइक वो फेयरलेस हो। तो यही हमारा एक कॉज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसी को लेकर चलते रहेंगे। और राइट नाउ जो हमें अभी उम्मीद है इंशाल्लाह, जो ऑर्फनेज का हमने आज पहला सेशन किया, इसके बाद इनको हम बेसिक सेल्फ डिफेंस का आज सेशन था, और इसके बाद हम इनको एडवांस सेल्फ डिफेंस की जो ट्रेनिंग है वो भी देंगे, उसके साथ इनको कम्बैट फाइटिंग की जो ट्रेनिंग है वो भी देंगे, और उसके साथ साथ हम इनको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह जो प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स है, जिसमें स्पेशली कोरियन मार्शल आर्ट्स, ताकि इनके लिए फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान वापडा के लिए, पाकिस्तान रेलवे के लिए ये लोग सर्व कर सकें। तो इसी सिलसिले में आज हमारा ट्रायल एक जो एक आम पीरियड हुआ है और सेशन हुआ है, इसमें सभी ने इंजॉय किया है, ट्रेनर्स ने भी इंजॉय किया और पार्टिसिपेंट्स ने भी इंजॉय किया। आई होप इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा, चूँकि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो बच्चों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका जो रिजल्ट होगा इंशाल्लाह वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। गो फास्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर आमिर ज़ुबैर का कहना था कि बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हम यहाँ पे आए थे सफीना चिल्ड्रन वाले बच्चों के पास, तो उनको आज हमने बेसिक मूव्स जो थी इसकी मार्शल आर्ट्स की वो हमने उनको करानी थी, जिसमें उनका सेल्फ डिफेंस की 3 से 4 मूव्स करानी थी, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के बारे में उनको अवेयरनेस देनी थी कि इससे बच्चों का ज़रा जस्ट वी वांट के बच्चों को हमने फिजिकली मेंटली मॉरली सोशली इन ऑल वेज वी वांट जस्ट वांट देम टू मेक देम फिजिकल फिट टफ दैट कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छे शहरी बन सकें, अपने लिए एक मुफीद हों, पाकिस्तान के लिए मुफीद हों और आने वाली हमारी नस्लों के लिए मुफीद। कोच सानिया इफ्तिखार ने स्कूलों में ज़ेरे तालीम तालबात को सेल्फ डिफेंस के हवाले से बुनियादी महारतें सिखाने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को अपना दिफा करना सिखाने के साथ साथ बच्चियों को भी सेल्फ डिफेंस से मुतल्लिक ट्रेनिंग दिलवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आज हम लोग इस अदारे में आए हैं बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए। खैर आज तो बच्चियों को छुट्टी थी, लेकिन हम लोग ने बच्चों को सिखाने की कोशिश की है सेल्फ डिफेंस, क्योंकि आई थिंक सब बच्चों को सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। और आगे हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही है कि हम फीमेल्स को सिखाएँ, और ज़्यादा कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग विदाउट चार्जेस के भी गर्ल्स को सिखाएँ, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत छोटी एज में ही सेल्फ डिफेंस स्टार्ट कर दी थी। और आजकल जो हमारे माशरे में भी हो रहा है आप लोगों को सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब जो बातें करते हुए भी अजीब लग रहा है मुझे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने इतने बड़े हादसात हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सब बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएँ। हर माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएँ छोटी एज में, मदर्स खुद सीखें, क्योंकि इस माशरे में छोटी सी छोटी बच्ची भी सेफ नहीं है। तो इसलिए आई थिंक हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा जितना हमारा किरदार है उतना निभा सकें।